हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट वन को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त तीनों मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, और साथ ही जो इवनिंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी जो उसके भी जो सीरीज है ना, उसका भी जून, जुलाई, अगस्त कंप्लीट होकर सेप्टेम्बर मंथ वहाँ पर भी चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो ऑलरेडी हो चुकी है, और आज से हम अक्टूबर का पहला पार्ट भी हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरा टारगेट है कि इस मंथ के एंड तक में हम लगभग कंप्लीट कर लिए रहेंगे 90 से 95% सिलेबस। हो सकता है जून के 4 या 5 तारीख तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसा कि हमेशा शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर पक्कमलाई रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड। और मैं एक बात बताना आप लोग को चाहूंगा कि जिस तरह का जो भी मैप्स क्वेश्चन कर रहे हैं आप, वैसे तो नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे हैं या पहले के भी कुछ छूटे हुए हैं तो आप बिल्कुल नोट से रिलेटेड एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं सभी का एक जगह कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ के रूप में एग्जाम से पहले दे दूंगा। फिलहाल आप जितना ज्यादा हो सके बस रिविजन्स करते रहिए, वीडियोज को जितना ज्यादा बार हो उतना बार देखिए, और जितना ज्यादा हो सके एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, बस ये इतना ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मैं आपको जो एश्योरमेंट दिया हूँ 90 से 95% का सिलेबस मैं जरूर कवर करके रखूंगा करंट अफेयर्स का स्पेशली। ठीक है, तो ये जो पक्कमलाई रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये कौन से जगह में लोकेटेड है ये हमें पूछा जा रहा है। और ये न्यूज में क्यों बन गया, तो मैंने जैसा बताया कि आपको जो भी ये आपको सारा रिजर्व फॉरेस्ट या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भी न्यूज में बनता है ना आप बस अगर उसको पढ़ जाए वही है यूपीएससी। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि आपको स्टैटिक पार्ट एकदम एग्जैक्टली ए टू जेड आपको पता होना चाहिए, बट हाँ, पर आपको करंट जो डायनामिक पार्ट है ना, जो अभी फिलहाल चल रहा है करंट सिनेरियो, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए एट प्रेजेंट जो चल रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये विलुप्रम डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु में, ये वहाँ पे ये फॉरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस साइड में यहाँ पे विलुप्रम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये तो आपका ये पक्कमलाई रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, इस जगह में। उसके अलावा ये जो ये न्यूज में इसलिए आ गया ये फॉरेस्ट, क्योंकि एक स्पाइडर कम्युनिटी जो कि जीनस पियोसिलेथेरिया, जो कि कॉमनली नोज क्या पीकॉक को बोला जाता है, वहां पे एक पैराशूट स्पाइडर जो कि गुटी तरंतुला, जो कि तरंतुला मतलब स्पाइडर को ना तमिल में इसमें तरंतुला बोलते हैं, तो गुटी तरंतुला और पैराशूट स्पाइडर नाम से ये जो स्पाइडर का एक है स्पीसीज ये फेमस है, ये यहाँ पे स्पॉट किया गया है पक्कमलाई रिजर्व फॉरेस्ट में, इसीलिए ये फेमस हो गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर जो है ये एकदम लगभग लग रहा है पीकॉक के ही कलर का है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में बन गया था तो हमने इसे देख लिया। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का पहला टॉपिक जो कि है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो इसे हम नीति आयोग वाले सेक्शन में देखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके द्वारा ही निकाला गया है। तो नीति आयोग ने अकेले नहीं, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इसके मदद लेते हुए इन्होंने निकाला है। क्या है ये, तो एज अ नॉलेज पार्टनर हैज रिलीज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स थर्ड, मतलब तीसरा है ये। पहला निकाला था 17 में, उसके बाद 18, उसके बाद 19 में। ठीक है, तो ये क्या, इसे जो इंडेक्स निकाला गया इससे क्या मिला है हमें, हमारे पूरे इंडिया से रिलेटेड नीति आयोग कुछ भी निकालता है तो वो काफी ज्यादा इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक बार जब मेंस एग्जामिनेशन से पहले मैं वैसे भी लेके आऊंगा, बट मैं फिलहाल अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज आप ध्यान में रखिए कि जो भी नीति आयोग से रिलेटेड जो भी डेटा वो रिलीज कर रहे हैं तो प्लीज आप एक जगह उसको स्टोर रखें, क्योंकि वो जहाँ भी स्टोर कर रहे हैं वो सारे चीज आपको मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियन से रिलेटेड, इंडियन इश्यूज से रिलेटेड जहाँ भी आप लिखोगे, क्योंकि हर चीज जो भी नीति आयोग निकाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश का एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो क्या है ये की फाइंडिंग्स, तो कर्नाटका इज द मोस्ट इनोवेटिव मेजर सेक्टर इन इंडिया। तो कर्नाटका जो उभर के आया है वो सबसे मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट जो के रूप में उभर के आया है। उसके अलावा जो दूसरा, सेकेंड, थर्ड और टोटल अगला जो 10 है वो है तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। देखिए पहला 4 के जो है वो भी सदर्न स्टेट्स ही है। ठीक है, महाराष्ट्र पूरी तरह से सदर्न ही है, बट हाँ ये सदर्न ही साइड से चला जाता है पूरा। उसके अलावा हरियाणा, फिर केरला सदर्न ही हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात उधर से हो गया, आंध्र प्रदेश, मतलब मोस्ट ऑफ द आपको सदर्न स्टेट्स वहाँ पे मिलेंगे, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र वेस्टर्न से आ गए। इसके अलावा जो सिक्किम और दिल्ली जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में
सबसे ज्यादा मतलब सबसे अच्छा रूप के रूप में स्पॉट किए गए हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट इंडियन इनोवेशन इंडेक्स निकालना, तो कितना ज्यादा वो अपने आप को इनोवेट करके स्टेट को लिए किए हैं वो देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग ये दिया गया है, ये एक इंडेक्स स्कोर दिया गया है, उसके हिसाब से ये रैंक डिसाइड किया गया, ठीक है। और ये जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं कि कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को वो लोग किस तरह से अपने निभा पा रहे हैं पूरे अपने स्टेट में या इस यूटीज में, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ इंडेक्स दिया गया है, पॉइंट स्कोर दिया गया है, उस स्कोर के हिसाब से रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। जिसमें कर्नाटका सबसे फर्स्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते बोलता हूँ मैं, फिर से क्या क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो 20th लाइव स्टॉक सेंसस, ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस को हम लोग, ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, तो हम लोग इसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में लिखेंगे, ठीक है। ये एक ही मिनिस्ट्री है, एक तीन मिनिस्ट्री नहीं है, प्लीज कन्फ्यूज नहीं करना, मैंने बोला तीन टाइप में, बट ये एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो क्या हुआ न्यूज में, इसलिए बन गया था क्योंकि जो ये जो इसी एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने अपना हाल ही में एक 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज किया। लाइव स्टॉक सेंसस मतलब जैसे सेंसस 2011 हुआ, 2021 सेंसस होगा, मतलब जनगणना, तो ये उन्होंने किया लाइव स्टॉक का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, कितना है हमारे मतलब लाइव स्टॉक, मतलब जो भी जीव जंतु, जो भी जानवर, जो भी है, कैटल, बफेलो या याक, ये सब का पॉपुलेशन पूरे हमारे कंट्री में, ये हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो जाके गवर्नमेंट या जो भी स्टेट के गवर्नमेंट होंगे वो उनके हिसाब से स्कीम्स लेके आएंगे। अगर वो धीरे धीरे घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए लेके आएंगे, या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए कुछ किया जाएगा ना। आपको पता होगा आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तब तो उतना ही आप राशन पानी घर का लेके आओगे ना। तो उसी तरह से ये एक तरह का सेंसस आगे निकालना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल लाइफ स्टाइक पॉपुलेशन जो होता है वो अभी इंडिया में जो पाया गया वो 535.78 मिलियन है, जो कि 4.6% इंक्रीज किया है सेंसस 2012 से, ठीक है। 2012 में लास्ट सेंसस हुआ था, वहां से अभी जो फिर आया है तो ये 4.6% इंक्रीज हुआ है, तो अच्छी बात है, पर उतना ज्यादा भी नहीं क्योंकि 4.6 ही है सर। उसके अलावा जो बोवाइन पॉपुलेशन है, बोवाइन मतलब वो कैटल, बुफेलो, मिथुन और याक जितने हैं, इन लोगों को बोवाइन बोला जाता है, तो इनका जो पॉपुलेशन पाया गया ये 302.79 मिलियन 2019 में पाया गया, जो कि पहले के कंपेयर में मतलब 2012 के कंपेयर में सिर्फ 1% ही इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही कम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1% ही बढ़ने के बाद 302 मिलियन आया, तो सोचिए 2012 में कितना अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा डिक्लाइन भी देखा गया है किसमें, जो कि कैटल का पॉपुलेशन में, जो कि इंडिजिनस जो है ना उनमें एक डिक्लाइन भी देखा गया है, मतलब उनका पॉपुलेशन घटा है, तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक सेंसस है ये अभी मतलब कब से निकाला जा रहा है, ये 2019 मतलब 2000 ये 1919 से निकाला जा रहा है, और ये अभी मतलब कंडक्ट पीरियडिकली चल रहा है इतने सालों से, ठीक है। उसके अलावा ये कवर्स करता है जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है और कैसे वो हेड काउंट से करते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एनिमल्स है उनका हेड काउंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितने पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, तो इसे डीआरडीओ में लिखेंगे क्योंकि इनके द्वारा ही एक बहुत ही उतना टेक्नोलॉजी लेके आया गया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो हाल ही में डीआरडीओ ने एक बहुत ही अच्छा एक क्लोजर मतलब बूस्टिंग एंड्योरेंस ऑफ सबमरीन निकाला, मतलब खोज कुछ किया है, जो कि क्या है, इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का खोज किया है। इससे क्या होगा कि हम लोग जो मतलब क्या होगा, जो एनी टेक्नोलॉजी मतलब जो भी वो टेक्नोलॉजी जो अलाउ करेगा नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, जो बिना न्यूक्लियर वाला सबमरीन को बिना मतलब न्यूक्लियर नहीं है उसमें, तो वो कहाँ से एनर्जी लेगा, डीजल पेट्रोल से नहीं, वो क्या से कर रहा है अपना यूज जो करेगा इन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट द नीड टू एक्सेस एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब बिना एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का, जब हम किसी चीज को बर्न करना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम लोग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का बिना यूज किए हम क्या करेंगे, अपने इंजन को ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसका इन्होंने खोज किया है, इसलिए एयर इंडिपेंडेंट नाम दिया, एयर के इंडिपेंडेंट मतलब एयर के बिना, एयर डिपेंडेंट हुआ एयर के साथ, पर एयर के बिना यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है ना, उसको रिप्लेस करेगा, और ये नॉन न्यूक्लियर वेसल्स के लिए है, न्यूक्लियर वेसल्स के लिए नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरी तरह से बेस्ड होगा वो किस पे होगा, स्टोर्ड ऑक्सीजन और इथेनॉल जो है ना उसके ऊपर बेस्ड होगा, जो कि ऑगमेंट करेगा बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन को, मतलब स्टोर किया रहेगा ऑक्सीजन और इथेनॉल को, और उसको कन्वर्ट करके वो लोग क्या करेंगे, बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन जो है वो एक तरह से मतलब ऑगमेंट करेंगे, उनको बनाएंगे अपने पावर
उसी से ही वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उनको एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टोर्ड ऑक्सीजन और इथेनॉल से ही अपना एनर्जी कैसे करके वो प्रोड्यूस करें, तो जो उनको ऑक्सीजन चाहिए वो स्टोर्ड ऑक्सीजन से ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट हो गए। और ये जो इससे ये टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ये AIP टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा जो खूबी होगा वो क्या, वो पूरी तरह से जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा ना, जैसे सी है ये, तो एकदम डीप में भी चला गया ना जब सबमरीन, तो भी वो अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा, क्योंकि ये तो एटमोसफेयर का ऑक्सीजन का तो इसको जरूरत नहीं है मतलब प्रोपल्शन के लिए। तो इसलिए ये डीप ओशन माइनिंग मतलब डीप ओशन में भी जा सकेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका सेल्फ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो इसे DRDO के द्वारा किया गया है, तो ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगला टॉपिक है जियोटिल, जिसे हम इसरो वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, चलिए अभी जान जाएंगे। तो पहले न्यूज में था पहले, क्यों ये जानते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 2, जैसा आप जानते हैं चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना, वो अभी भी चांद के चारों तरफ घूम ही रहा है, ठीक है। पर लेकिन लैंडर खराब हो गया, लैंडर से कनेक्शन टूट गया, पर ऑर्बिटर घूम ही रहा है। तो ऑर्बिटर में ना एक क्लास 9 का एक सेंसर लगाया हुआ है, जो क्या कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल जो भी चांद पे है ना उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो हाल ही अभी सितंबर मंथ में क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिटर है इससे कुछ चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट किया, कहाँ पे, मून के मतलब मून के सरफेस पे ये डिटेक्ट किया गया, ठीक है। तो इतना अच्छा से क्यों डिटेक्ट कर पाया, जो पहले नहीं हो पाया, वो सितंबर मंथ में क्यों डिटेक्ट हुआ और एट पर्टिकुलर टाइम में क्यों डिटेक्ट हुआ, इसीलिए वो चीज़ न्यूज में बन गया। तो वो इसलिए बन गया क्योंकि जियो टेल का कंसेप्ट उस जगह में था जब ये जो ये क्रॉस हो रहा था ना हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का, तो वो उसी वक्त क्रॉस हो रहा था जिस वक्त जियो टेल चल रहा था। मैं जियो टेल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी, फिलहाल मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं क्या है ये। तो जियो टेल में क्या होता है, एक्चुअली वो एक रीजन एग्जिस्ट करता है जो कि सन और अर्थ के इंटरेक्शन से होता है। तो मैं जियो टेल के बारे में अगर आपको अच्छे से समझाऊं, तो जैसे देखिए ये सन का, सन क्या करता है, एक अपना प्लाज्मा जो है ना चार्ज पार्टिकल्स वो हमेशा मतलब फेंकते रहता है, हमेशा उससे निकलते रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस तरफ से मान लीजिए सन है यहाँ पे, तो वो सन हमेशा इस तरफ से चार्ज पार्टिकल किस तरफ, अर्थ की तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे ये बढ़ते गया, पर और अर्थ का भी क्या है, ये अर्थ जो है ना, अर्थ का भी एक फंडा है कि अर्थ का भी ना अपना एक जियोमैग्नेटिज्म है चारों तरफ। तो ये हमेशा ये अपना चारों तरफ इस तरह का रहता है अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म, जो कि बाहर से कोई भी चार्ज पार्टिकल्स आए ना तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। आप तो सुने ही होंगे आयनोस्फेयर वगैरह में, वहाँ पे जो भी छोटे मोटे एस्टेरॉयड जो आते हैं वो बाहर से ही चले जाते हैं, क्योंकि इतना पावर रहता है वहाँ पे अलग अलग आयन्स का और अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स का कि पहले ही रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी जो होता है, एक हमारा जियो मैग्नेटिज्म जो है अर्थ का खुद का, वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है जो भी चार्ज पार्टिकल आता है, तो उसको वापस दूसरी तरफ भेज देता है। तो उसी तरह से जो सन का जो प्लाज्मा है ना चार्ज पार्टिकल, जब वो अर्थ की तरफ इस तरह मूव करता है, तो यहाँ तक आने के बाद ये क्या करता है, इसको मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये इस तरफ से चला जाता है, ठीक है। ये इस तरफ से चला जाता है, ये इस तरफ से चला जाता है, इस तरह का होने लगता है। तो इस तरह का होते होते क्या होता है, ये एक जगह में ये हो गया, मैं आपको थोड़ा रब करके और अच्छे से बता दूं कि जिस तरह से ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये अपना काम तो सन ठीक से कर ही रहा है, तो ये पर लेकिन किस तरह से ज्यादा ये हो जाता है, जब आप देख पा रहे हो कि ये हो गया अर्थ, ये क्या करता है, इधर से जब चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो वो धीरे से आएगा और उसके बाद ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट कर दिया ना, वो एक ऑब्स्ट्रक्ट बन गया, प्लाज्मा इधर से आ रहा है और इधर से ऐसे करके जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाया जा रहा है। बट ऐसे जाते 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 इस तरफ क्या ज्यादा फोर्स होने लगेगा, तब कुछ देर बाद जाके क्या दिखता है कि ये हो गया अर्थ और यहाँ से जो आ रहा है ना वो ऐसे करके ये है ना पीछे वाला पार्ट इतना चला जाएगा और आगे वाला पार्ट ऐसे रहेगा, उसका ऐसे जाएगा। तो ये पीछे वाला जो पार्ट हो गया वो टेल हो गया, वो जियो टेल हो गया। तो जब मून जो है ना वो लगभग एवरी 29 डेज में मून क्या करता है, ये जो पाथ है ना यहाँ तक का पाथ, ये जो पाथ है इसको पाथ में ये मून का काम है क्या अर्थ के चारों तरफ घूमना। तो ये एवरी 29 जो 29वां दिन होता है ना वो यहाँ से यहाँ तक के लिए लगभग 6 दिन के लिए अर्थ के ही आसपास में घूमता है और जियो टेल को फेस करता है, ठीक है। तो जियो टेल के ही अराउंड रहता है, तो जियो टेल के अराउंड रहता है तो उस वक्त ना वो जो चार्ज पार्टिकल्स, कोई और एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहता है जो डिस्टर्ब करे, तो बहुत ही अच्छे से वो इमेजेस ले पाया, इसीलिए ये न्यूज में बन गया, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा मून में जो चार्ज पार्टिकल का इमेज कैसे लिया, तो ये इस वजह से लिया, ठीक है।
तो ये हो गया जियोटेल का कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। तो यही आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक बन गया है जियोटेल, जो पीछे साइड में आपको इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे एलोंगेट हो गया और ये 6 दिन तक ये मून पूरा इसी जगह में रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, वो कंडक्ट किया गया सीएसआईआर के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो ये जो हुआ इसके द्वारा ये इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिसर्च किया गया, मतलब निकाला गया। तो ये है क्या आखिर में, ये जानते हैं। तो ये जो इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सीएसआईआर का, सीएसआईआर के द्वारा यहाँ लिखा हुआ है, बट ये किसके द्वारा, सीएसआईआर का भी बहुत सारे इनके अंदर ग्रुप है। तो इनके जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उनके द्वारा जो कि दिल्ली में है, और SIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जो कि हैदराबाद में, इन दोनों कोलैबोरेट होकर ये इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये CSIR के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम जल्द ही जीनोम प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें बोल कह रहा है कि ये जो आउटकम्स होगा ना इंडिजेन और ये सबका, तो ये क्या हो रहा है, इंक्लूड करेगा सारा प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन विथ फास्टर एंड एफिशिएंट डायग्नोसिस ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीज। मतलब रेयर जेनेटिक डिजीज है ना, बहुत ही कम पाया जाता है, हम उन डिजीजों का भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब या तो प्रिडिक्टिव हम लोग मेजर्स ले पाएंगे, या प्रिडिक्टिव मतलब पहले अनुमान लगा कि हम उस तरह का दवा या उस तरह का मेजर, उस तरह का क्या हमें फॉलो करना चाहिए वो कर पाएंगे, या हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले लेंगे। मतलब हम, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जीनोम से रिलेटेड, मतलब जीन्स वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा ना जीनो ग्रिड जो है, जीन से रिलेटेड ग्रिड बना जा रहा है, जैसे पावर ग्रिड हुआ तो जीन्स का भी ग्रिड बनेगा, फिर उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। तो इंडिजेन एक जीनोम प्रोजेक्ट उसी के बेसिस पे लाया जाएगा, ताकि किस तरह से हम मेडिसिन से रिलेटेड हम ज़्यादा फास्टर और एफिशियंट डायग्नोसिस कर सकें, ठीक है। फिर अगर हम कुछ ये जो जीनोमिक्स फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इंडियन जीन प्रोग्राम, इसके बारे में अगर जानते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एम करेगा टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। मतलब सारा जीनोम का सीक्वेंसिंग करेगा, मतलब एक तरह से इस तरह का सीक्वेंसिंग करेगा एक ग्रुप ऑफ थाउजेंड, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का, ताकि ये और अच्छे तरीके से रिसर्च कर सके, मतलब मेडिसिन के, ताकि फास्टर और एफिशिएंट वे में कैसे डायग्नोस किया जा सके किसी भी रेयर से रेयर डिजीजेस का भी, ठीक है। और ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, ये ताकि डेवलप कर सके पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डाटा। अगर आपको डेटा रहेगा तब तो आप, जैसे देखिए गूगल के पास अभी इतना बिग डेटा कहा जाता है स्टोर, क्यों, क्योंकि वो सारे डेटा लेके रखते हैं। तो इसी का आपने न्यूज में भी सुना होगा कि हाल ही में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के, मतलब यूएस के द्वारा ये यूज किया गया है उनके डेटा को, क्योंकि पब्लिक क्या करते हैं, फेसबुक में हमेशा इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फेसबुक या कुछ दूसरे वेबसाइट में, कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये खाना पसंद है, हम इस रेस्टोरेंट गए, हमें फुटबॉल देखना पसंद है। तो इस तरह का जो ये सारे डेटा ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक तरह से पूरा, मतलब टैली किया जाता है, और उसके बाद फिर एक रिजल्ट पे आते हैं कि मैक्सिमम पब्लिक को ये पसंद है, इतना अच्छा एनालिटिक्स है उनका गूगल का। तो उसी तरह का अगर हम जीनोम से रिलेटेड भी सारे डेटा लेने के बाद, अगर हम, हमारे पास डेटा रहेगा तभी तो हम एनालिटिक्स कर पाएंगे कि क्या है रिक्वायरमेंट, क्या प्रॉब्लम्स है, तब उसके बाद हम अच्छे से अच्छा हेल्थ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी अच्छे से अच्छे लेके आ सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पेरेंट बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और SNT के अंदर ही तो CSIR आते हैं ना, तो इसीलिए ये सब एक ही पेरेंट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला टॉपिक है DNA टेक्नोलॉजी बिल, और ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। तो न्यूज़ में क्यों था ये जानते हैं। तो हाल ही में जो DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल जो पास हुआ, उसमें कुछ सबको, मतलब अपना आशंका जता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा DNA टेक्नोलॉजी, जो कि एक मतलब पर्सन का आइडेंटिटी लिया जा रहा है उसका, एक तरह से DNA मतलब सब कुछ हो गया है ना। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखा होगा, तो उस मूवी में भी बताया होगा कि आपने देखा है कि एक मच्छर के जो उसके अंदर जो खून रहता है, उसमें DNA रहता है डायनासोर का, उतना 100 साल पुराना, उससे यूज करके ये लोग इतना सारा DNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डायनासोर्स बनाते हैं। तो उसी तरह का DNA में सब कुछ छिपा हुआ है, एक इंसान का रहन सहन, क्या खाया था वो, क्या स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा हाथ था, क्या ब्लड ग्रुप था, सब कुछ था उसमें। तो उससे मतलब एक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन भी खतरा हो सकता है ना, तो ये सबसे रिलेटेड कैसे सिक्योर रहा जा सकेगा, ये इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, कहाँ पे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है।
तो ये इस तरह का लेजिस्लेशन क्यों हम लोग के साथ, मतलब क्या क्यों जरूरत है डीएनए टेक्नोलॉजी बिल का, पहले ये जान लेते हैं। तो ताकि जो क्राइम से रिलेटेड या कोई इंसान मिसिंग है और मान लीजिए वो उनका याददाश्त खो गया और है नागालैंड के और बैंगलोर में पाया गया या कर्नाटका में कहीं पर पाया गया, तो इससे क्या होगा, वो याददाश्त खो गया तब उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। उनका जो भी डीएनए है सैंपल वो गवर्नमेंट लेंगे और उसके बाद अपने डेटा में चेक करेंगे। तो अगर ऑलरेडी ये बिल पास हुआ और सबका डेटा गवर्नमेंट के पास है तो इजीली वो उनको उस इंसान को मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। और ये क्रिमिनल और मतलब ये इस सब सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा है कि हमें एक एग्जैक्ट डेटा हमें अपने पूरे पब्लिक है, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे जितने भी पब्लिक है उसके ऊपर अच्छा से अच्छा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, बहुत सारे डेवलप कंट्री इस तरह के बिल को यूज़ भी करते हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद भी है उनके लिए। ठीक है, और ये बिल के तहत ना नेशनल और रीजनल एक डीएनए डेटा बैंक्स भी बनाया जाएगा, रीजनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, जिस तरह से बैंक होते हैं पैसों के लिए जो रीजनल और नेशनल बनाया गया है, उसे से डीएनए का भी डेटा बैंक्स बनेगा जो रीजनल लेवल पे और डेटा नेशनल लेवल पे पूरा एक जगह से मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में काम करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पर अगर कुछ इस बिल से रिलेटेड अगर कोई किसी को सेलिंग किया या कुछ गलत यूज किया जा रहा है इस डीएनए का लेने के बाद, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन जुड़ा हुआ है यहाँ से, तब वैसे लोगों को बहुत ही हार्ड एंड बहुत ही मतलब पनिशमेंट किया जाएगा, जैसे कि जेल हो सकता है 3 साल तक का और फाइन भी 1 लाख तक का होगा अगर किसी के भी डीएनए से छेड़छाड़ किया जाए तो। ठीक है, और इसके अलावा यूजेस बता दें तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा कब, जब आइडेंटिफाई किया करना पड़े किसी पर्सन का और वो मिस मतलब ऐसा हो जाए जरूरत, जब तक कि हमें किसी इंसान को अगर आइडेंटिफाई करना है तभी हम ये डीएनए का मतलब ये जो इस तरह का डेटा है इसको यूज करेंगे, उसके अलावा हम लोग किसी भी चीज में यूज नहीं करेंगे, ऐसा इस बिल में दिया हुआ है। तो यही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये सब एग्जामाइन किया और बोले ठीक है ये सब चीज अगर है तो ये बिल को अच्छे से हम पास करने मतलब अप्रूव कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा इस एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड का भी गठन करना पड़ेगा जो कि डीएनए लैबोरेटरीज का एनालिसिस करेगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या काम चल रहा है, क्योंकि बोर्ड एक होना चाहिए ना सबका पेरेंट। ये तो ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एसएनटी है, तो एसएनटी मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे काम है, तो डीएनए से रिलेटेड एक सपोज करिए एक मैनेजर आप बना दिए हैं, सीईओ के रूप में रख दिए हैं एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, अब वो गाइडेंस में रहेंगे और वो जो भी होगा मिनिस्ट्री को कौन रिपोर्ट करेगा, तो ये डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट करेंगे कि ये चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, डेराक मिल्स सॉरी डेराक मेटल्स। तो इसे हम बायोटेक वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी जान देंगे। तो डेराक आपने बहुत सारे मेटल्स का नाम सुना होगा, तो एक डेराक मेटल्स है, सेमी डेराक मेटल्स है, तो इसको हम अभी ये जानेंगे क्या है ये। तो रिसर्चर्स जो आईआईटी बॉम्बे से थे ना, उन्होंने हाल ही में एक क्लास ऑफ मटेरियल्स को मतलब डिस्कवर किया जिसका उन्होंने नाम रखा सेमी डेराक मेटल्स। और ये मेटल्स एक्चुअली में क्या है बोली तो, कि मतलब अगर आप किसी लाइट को अगर यदि फॉल करेंगे ना उसके ऊपर किसी डिफरेंट एंगल में या तो क्या होगा वो पास हो जाएगा, बट किसी और एंगल में अगर रखेंगे तो पास नहीं होगा। मतलब ये डिपेंड करता है मेटल के प्रॉपर्टी के ऊपर कि आप सपोज करिए इस एंगल में अगर मेटल को रखे हैं और यहाँ से लाइट ऑब्जेक्ट किए तो ये पास हो जाएगा, बट अगर मान लीजिए आप ऐसे रखे हुए हैं और इधर से लाइट गया तो ये पास नहीं हो पाएगा, ये एज अ ट्रांसपेरेंट मेटल की तरह यूज करेगा, तो ट्रांसपेरेंट नहीं ये रिफ्लेक्ट कर देगा उस समय में। तो ये इस प्रॉपर्टी का ये इस प्रॉपर्टी है इस मेटल का। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेटल्स कहा जाएगा या सेमी डायरेक्ट मेटल्स कहा जाएगा। ठीक है, और इस मेटल्स में एक्चुअली क्या होता है कि ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है कि ये कब ये पास करने जाएगा कब ये रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सपोज करिए कि जो मेन होता है ना क्वालिटी ऑफ कंडक्शन जो भी नॉर्मल मेटल्स का होता है जैसे गोल्ड और सिल्वर का, वो लोग तो लाइट पास होने नहीं देते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनका जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह का किया हुआ है, आपको मैं बेसिक फिजिक्स में पूरा अंदर नहीं घुसूंगा, बस ये बता रहा हूँ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल के एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे कुछ अरेंज किया हुआ है इस पैटर्न से कि वो अलाउ करता है अलाउ नहीं करता है गोल्ड और सिल्वर वाले मेटल्स में, बट ये जो सेमी डायरेक्ट या डायरेक्ट मेटल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक एंगल में वो लोग अलाउ करते हैं, फिर दूसरे एंगल में नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हो गया डायरेक्ट मेटल्स। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है TiO2 और V2O3 नैनो स्ट्रक्चर्स, ये सब एक तरह का एग्जाम्पल्स है जो कि इस तरह का मतलब यूज किया जाता है। और मैक्सिमम इस तरह के जो सेमी डायरेक्ट मेटल्स वो कहाँ यूज होते हैं, ये टच स्क्रीन जो कि मोबाइल में होता है ना वहाँ पे ये इस तरह का यूज होता है। तो आप अच्छे से इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि लाइट कैसे पास हो जाता है, बट किसी किसी एंगल में नहीं होगा पास। तो ऊपर सेमी डायरेक्ट मेटल्स होता है ना उसमें एक साइड से होता है और एक साइड से ये यूनिलीनियर है, एक साइड से होगा और एक साइड से नहीं होगा। ठीक है,
इसलिए यहाँ बोला गया है कि सेमी डायरेक्ट मेटल्स वो डायरेक्ट मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं बट एक डायरेक्शन में, जो कि और दूसरे डायरेक्शन में वो नॉर्मल मेटल्स की तरह, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना, जब से वो मेटल है और यहाँ से वो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तब वो नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, बट ये मेटल है सेमी डायरेक्ट और इस तरह से आया तब वो शो करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट, जो कि स्टेट से न्यूज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मिजोरम जो स्टेट जो है ना वो इससे इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व, चलिए जानते हैं। तो हाल ही में ये न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि मिजोरम गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया सेंट्रल के जो प्रपोज था ना कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को वो थोड़ा चेंज करेंगे, तो उस तरह का वो पूरी तरह से मानने से ही इनकार कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे जो आर्टिकल 371G जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायोलेट करता है। ये 371G क्या है आप अच्छे से एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। 370 था किससे रिलेटेड, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था जिसको स्क्रैप कर दिया गया। 371 में क्या है, महाराष्ट्र गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट से, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और ये तेलंगाना, मतलब कुछ कुछ स्टेट जो इस साइड के ना, ए से लेके जी तक, ये सारे आपको एक बार थोड़ा रिकॉल कर, जे तक है तो सारे आपको रिकॉल कर लेना होगा। तो 371G है वो मिजोरम के लिए है, जो उनको ये राइट देता है ताकि वो सोशल प्रैक्टिसेस जो भी हो, या सिविल या क्रिमिनल लॉ हो ना, या लैंड ओनरशिप ट्रांसफर, ये सबसे रिलेटेड ना वो एकदम वो उनका खुद का स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, ना कि पार्लियामेंट उसमें किसी भी तरह का उंगली करेंगे। तो जब ऐसा कुछ है तो ये क्यों अपना एक इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको वो लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं और उसमें मिजोरम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए मिजोरम ने इस एक्ट को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया, बोला हमको ये नहीं मानना है। ठीक है, तो इसलिए 371G यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉइंट के ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक न्यूज में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि ग्रैप, GRAP टू बी इन्फोर्स इन दिल्ली NCR। तो ये दिल्ली NCR से रिलेटेड इसलिए स्टेट से न्यूज में लिख रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमने रिसेंटली फिर से एक पढ़ा था EPCA के बारे में, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसको किसके द्वारा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो बनाए थे। ठीक है, तो हाल ही में EPCA ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया इमरजेंसी एक्शन प्लान दिल्ली में, ताकि एयर पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके। तो ये जो इमरजेंसी एक्शन प्लान था ना, उसी का नाम है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स प्लान एक तरह का इमरजेंसी प्लान है जो कि दिल्ली में लाया गया EPCA के द्वारा, और EPCA एक तरह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का ही बॉडी है जो पर्टिकुलरली सिर्फ NCR के एरिया के लिए ही ध्यान देता है। ठीक है, और ये जो GRAP है ना, इसका मेन क्या काम होता है, ये मेजर्स करना बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR एंड प्रिवेंट PM10 एंड PM2.5 लेवल्स टू गो बियॉन्ड। मतलब मेन फंडा इसका है ग्रैप का, कि आप देखोगे PM10 और PM2.5 लेवल जो है वो मॉडरेट हो, उससे ज्यादा क्रॉस ना करें। ये सब चीज से रिलेटेड वो मेजर जो भी निकाला गया इस एक्शन अपने प्लान में, तो यही सब चीज से रिलेटेड वो अपने कुछ कुछ प्रावधान लेके आए हैं अपने एक्शन प्लान में। ठीक है, तो वो GRAP के एक एक्शन प्लान है जो कि दिल्ली NCR के लिए है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसे किसके एजिस में रखा गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के तहत। ठीक है, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये डेवलप करता है ताकि इन्फॉर्म कर सके पीपल को 8 पॉल्यूटेंट्स के बारे में, जैसे PM2.5, PM10, जो अभी जी ये जो ग्राफ है ये भी अभी इसके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा अमोनिया का लेवल, लेड का लेवल, नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल, ओजोन का लेवल और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एटमोसफेयर में कितना है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है CPCB निकालता है, ताकि हर पब्लिक को अवेयर कर सके कि इस जगह में इतना पॉल्यूशन है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो इस तरह का ये जो ग्राफ था ना, पहले हम ये भी देखें तो ग्राफ ये अपना एक तरह से मेजर्स लेके आया कि जिस जगह में PM2.5 61 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एरिया में, मतलब इस जगह में होगा, तो और या PM10 जो होगा वो उसका वैल्यू 101 से 350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर यदि एरिया है, तो क्या करेंगे वो, उसको मॉडरेट टू पुअर बोलते हैं। और उस जगह में जो एनफोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स, बैन करेंगे फायर क्रैकर्स को, गार्बेज बर्निंग को बैन करेंगे, ये सब मेजर्स वो लोग फॉलो करेंगे। उसके अलावा वेरी पुअर दे देंगे किसको, जब ये जो 2.5 है ना PM2.5, ये 121 से 250 माइक्रोग्राम होगा, सेवियर करेंगे 2.5
को जब वो 250 ग्राम पार कर गए हैं और इमरजेंसी घोषित कर देंगे जो कि 2.5 जब 300 माइक्रोग्राम पार कर गए। तो यही हाल हुआ था अभी रिसेंटली दिल्ली का, ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टॉप कर दिया था, शटिंग स्कूल को, मतलब इस तरह का हाल हो गया था, बहुत सारे स्कूल को बंद करना पड़ा था। फिर ऑड एंड इवन स्कीम भी लेके आए थे और स्टॉप एंट्री मतलब डीजल ट्रक्स का दिल्ली में आना ही बंद करवा दिए थे एक्सेप्ट रेजिडेंशियल कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इस तरह का चीज हुआ था। तो ये मेजर्स हैं और ये उनके प्रोटोकॉल्स हैं जो ये ग्रैप के तहत में ईपीसीए ने लेके आया था, ठीक है। हमने इधर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा ये बेसिक सा स्टैटिक पार्ट है ये भी जान लिया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जिसे हम स्टेट्स इन न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये जबकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फिर भी हम स्टेट्स इन न्यूज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, ये तीन स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में सेंट्रल ने क्या क्या एक प्लान लेके आने का सोचा, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए वो उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा। क्या है वो? एक ग्रीन वॉल बनाना। ये जैसे चाइना के अंदर ग्रेट वॉल है, तो यह ग्रीन वॉल बनाने का सोचा। वो है क्या आखिर, चलिए जानते हैं। तो ये है 1400 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जो कि 5 किलोमीटर वाइड होगा। मतलब लॉन्ग हो गया ये, और ये जो मोटापा है ना वो 5 किलोमीटर का वाइड होगा। एक ग्रीन बेल्ट होगा जो कि गुजरात से लेके दिल्ली और हरियाणा मतलब दिल्ली होते हुए हरियाणा को पूरा टच करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, पूरा मतलब ये जो वेस्टर्न एरिया है ना, वेस्टर्न पार्ट पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाने वाला है, और ये टोटल 1400 किलोमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करेगा एक्चुअली में, ये करेगा डील करेगा सारा लैंड डिग्रेडेशन और ईस्टवर्ड मार्च ऑफ द थार डेजर्ट है। इस तरफ थार डेजर्ट है ना, तो इसके रिलेटेड जो भी विंड से रिलेटेड जो भी डिफॉरेस्टेशन या डिग्रेडेशन हो रहा है ना लैंड का, जो बालू उड़ के आ जा रहे हैं, तो उससे ये रोकने में या फिल्टर करने में बहुत मदद करेगा, ताकि इधर के एरिया को हम बचा सके, डिग्रेड होने से बचा सके, ठीक है। इससे मदद भी क्या मिलेगा, ये रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो कि 2030 तक अगर इस तरह का चीज हम लोग लेके आते हैं तो 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम डिग्रेड होने से बचा पाएंगे 2030 तक। इसके अलावा ये जो टेक्निक है ना, ये ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ मतलब लाने का, ये हमने लिया है कहाँ से, अफ्रीका में एक प्लान चल रहा था जो कि सेनेगल से जिबोटी एक दो देश है वहाँ, इन दोनों के बीच में ये इस तरह का क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन को फाइट करने के लिए ये लोग यूज किए थे ये टेक्निक, एक ग्रीन वॉल का टेक्निक। तो उसी तरह से हम भी इस तरह का टेक्निक लाने का सोच रहे हैं, तो अभी ये सोचा ही जा रहा है, अभी तक इसे लाया नहीं गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना, ये एरिया क्या करेगा, पूरा रफली कवर करेगा कहाँ कहाँ, डिग्रेडेड अरावली जो एरिया है ना, अरावली रेंज और मैसिव एफोरेस्टेशन जो है वो हम अरावली रेंज के आसपास में ला सके। आपको पता होगा शायद कि अरावली का जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो उसी में ही राष्ट्रपति भवन को बनाया गया है, तो वहां से लेके सोचिए आपको पूरा राजस्थान तक आपको ये कवर करने वाला है इस तरह का, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसको हम आपको मैप के द्वारा भी बता दूं, तो ये देखिए यहाँ ये है पोरबंदर, पोरबंदर से पानीपत जो कि हरियाणा में है, यहाँ तक पूरा ये प्रोजेक्ट का लेके जाया जाएगा, ठीक है। और ये जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया ब्रॉट आउट बाय द इसरो इन 2016, ठीक है, 2016 में ये डेजर्टिफिकेट एटलस जो इसरो के द्वारा दिया गया था, ताकि आप इस तरह से शील्डिंग कर सके पूरे डेजर्ट एरिया को, मतलब डिग्रेड वगैरह उसके आसपास को डिग्रेड होने से बचा सके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो ये एनडीआरएफ एक फंड है जो है, तो ये स्टैटिक पार्ट पर इससे रिलेटेड कुछ करंट में जुड़ा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हुए और ये एनडीआरएफ फंड के बारे में भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, और कुछ कुछ इसमें ट्विस्ट चीज है जो मे भी हो सकता है कि स्टेटमेंट्स के तौर पे हमें मिल जाए और हमें उसमें कंफ्यूज करके आंसर गलत कर दे, इसलिए मैं डिस्कस करना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि सेंटर ने हाल ही में अप्रूव किया फाइनेंस असिस्टेंस, जो कि 1813 करोड़ के लगभग में एनडीआरएफ की तरफ से स्टेट ऑफ कर्नाटक और बिहार के लिए, ठीक है। बट जो स्टेट ऑफ कर्नाटक और बिहार है वो क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिलीज करें एडवांस एडिशनल फाइनेंस असिस्टेंस, क्योंकि अगर उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी आती है तो वो असिस्टेंस आते आते काफी टाइम लग जाता है, उसके बाद आती है तो हम लोग को उस वक्त टैकल करने में थोड़ा असुविधा हो जाती है, तो इसलिए आप एडवांस दे दीजिए, इस तरह का वो लोग मांग कर रहे हैं कर्नाटक और बिहार के स्टेट के सेंट्रल से, ठीक है। अब कुछ एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं। तो एनडीआरएफ क्या है, तो इसे सेक्शन 46 ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है एनडीआरएफ को। पहले तो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लेके आया गया, डीएम एक्ट जिसको बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत सोच लीजिएगा, तो डीएम एक्ट 2005 में सेक्शन 46 में लाया गया था कि उसमें इंसर्ट किया कि एक फंड भी बनाया जाएगा जो पूरे
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब फंड किया मतलब संभाला जाएगा, जो कि पूरे कंट्री में सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्टेट रेस्पॉन्स सेज डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है ना, और जो भी स्टेट्स लोग के हैं और जो इमीडिएट रिलीफ जो भी होंगे ना कैलामिटीज का, वो भी यहाँ से डायरेक्टली दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड वॉज रीनेम्ड एज NDRF विद द इनैक्टमेंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मतलब पहले भी था ये, मतलब किस नाम से, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड के नाम से था, बट जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया ना, तो उसका सेक्शन 46 में इस तरह का फंड का मेंशन हुआ, तो बोला कि नहीं अब इसको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के नाम से अलग कर देंगे, ठीक है, तो उसको नाम चेंज कर दिया गया। उसके अलावा आखिर ये किस यूज के लिए, तो इसे सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रिलीफ रिहेबिलेशन के लिए ही, और किसी भी चीज के लिए, ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ और रिहेबिलेशन के लिए ही यूज किया जाएगा, और किसी भी कंडीशन में इस फंड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो इसका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होगा ना, वो पूरा का पूरा जो भी आप सेस चार्ज करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे, या चार्जेबल जो भी एक्साइज या कस्टम ड्यूटीज हुआ, या उसके द्वारा भी जो कि साल में बजट में जो फाइनेंशियल बिल के तहत में आता है कि NDRF के लिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हम इतना फंड रखेंगे, तो ये सब हुआ इसका सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है, इस फंड का। इसके अलावा ये भी होता है कि कभी कभी बहुत सारे जनरल बजटरी रिसोर्सेज के तरफ से, मतलब एज अ आपको ग्रांट के तौर पे या कुछ इस ये सब सिचुएशन में भी दिया जा सकता है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में फंड के तौर पे हम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रहे हैं, तो इसी तरह से बहुत सारे डिजास्टर के टाइम में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में भी दिया जाता है, ठीक है। और एक ये भी प्रोविजन इसमें डीएम एक्ट में है, ताकि वो एनकरेज कर सके किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को कि वो कंट्रीब्यूट कर सके NDRF को, ठीक है। इसके अलावा कुछ की फीचर्स अगर हम देखते हैं, तो जो जो लोकेटेड है ना पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पूरा पूरा रिजर्व फंड है, नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट, मतलब कुछ इंटरेस्ट टाइप का इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। और इसको जो मॉनिटर किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, कि इस ये जो फंड है, इस फंड को मॉनिटर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा और MHA के द्वारा, बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उन वो सब एरिया में डील करेगा जो कि ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स या कोल्ड वेव या फ्रॉस्ट टाइप का कुछ अगर यदि कैलामिटीज होती है जिसके वजह से नुकसान होता है मानहानि का, तब जाके वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये फंड को रिलीज करने में और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बट इसके अलावा कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होती है ना ये सब के अलावा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कैसे इस फंड को यूटिलाइज करके हम सही से हर जगह पहुंचा सके, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो कैग होती है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, ये NDRF के अकाउंट को टाइमली ऑडिट भी करती है। तो कोई भी फंड जो भी MHA या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यूज किया जा रहा है, वो कैग के द्वारा ऑडिट भी किया जाएगा कि सही जगह में ये जा रहा है कि नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सत्तामी रेबेलियन। तो सत्तामी रेबेलियन क्या है, सत्तामी ये एक स्टैटिक पार्ट है, बट थोड़ा ये न्यूज में बन गया था इसलिए हम लोग इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सत्तामी कौन थे, ये एक मिलिटेंट सेक्ट थे हिंदू वर्शिपर्स के, ठीक है, मिलिटेंट सेक्ट थे हिंदू वर्शिपर्स के। इनको स्पेशली जो नाउन जो फाउंड किया था उनका नाम था बीरभन, जो कि 1657 में नरनौल जो कि हरियाणा में वहां पे वो जन्म लिए थे, वहां से उन्होंने ही इसका फाउंडेशन किया था सत्तामी का, ठीक है, बीरभन। और ये जो मेजर रिलीजियस एक्टिविटीज जो भी होगा ना इस सेक्ट का, वो क्या करते हैं, तो चैंट करते हैं, मेडिएट करते हैं, और सतनाम जो भी सतनाम बोल के अपना मेडिएशन करते हैं और बोलते हैं गॉड से रिलेटेड, स्पेशली रामा और कृष्णा से रिलेटेड वो मेडिएट और चैंट करते रहते हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वगैरह हुआ ना, तो उस तरह का। और ये जो सेक्ट है ये स्पेशली क्या करता है, ऑफशूट ऑफ रविदासी सेक्ट, मतलब एक तरह से रविदासी सेक्ट का ही एक ऑफशूट है। और इसे मतलब बेसिकली इसमें जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो हिंदू सोसाइटी के वो लोग जो लोग जैसे लेदर वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, गोल्डस्मिथ हैं, मतलब बहुत ही पिछड़े जाति के लोग जो लोग हैं वो लोग इसमें इस तरह का सेक्ट को अपना एक बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी फॉलोअर्स ऑफ द जो भी सेक्ट है ना, वो क्या करते हैं, अपना जो सर है ना उसको मतलब पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं, मुंडवा लेते हैं, और इसलिए उनको मुंडियाज भी बोला जाता है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, लीकर को और मीट को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो इनका रिलीजियस ग्रंथ है ना, जैसे हर जैसे गीता हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, तो सर इनका भी एक ग्रंथ है जो सतनामीज ने अपने लिए बनाया है, उनका नाम है पोथी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने भी रिवॉल्ट किया था 1672 के अराउंड में, जैसे 1657 में ये नरनौल में बिरभन के द्वारा ये लाया गया था ना, तो 1672 के अराउंड इन्होंने भी रिबेल किया था मुगल आर्मी, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में। बट कुछ दिन बाद ही औरंगजेब ने, आप जानते हैं औरंगजेब कितना पावरफुल था, तो उन्होंने क्रश भी कर दिया था इस सतनामी रिबेलियन को। ठीक है, तो इसलिए सतनामी रिबेलियन को क्रश कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये काफी ज्यादा इससे रिलेटेड न्यूज था। अगला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स तो है, ये सबको पता होगा, और ये एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता कि इंडिया किस रैंक में है, तो अगर पूछा भी जाए तो मैक्सिमम सही रहता है, बट हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे देगा या वर्ल्ड बैंक दे देगा, तो क्योंकि हंगर से रिलेटेड, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, एफएओ, तो इस सब से रिलेटेड आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। पर इसमें कौन बनाया जाता है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक आयरिश एजेंसी है, और वेल्ट हंगर लाइफ, जो कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, तो हाल ही में जो ये निकाला गया उसमें इंडिया का रैंक 102 आया है टोटल 117 कंट्री में, जो कि बहुत ही खराब है। ठीक है, 102 पोजिशन आया 117 कंट्री में जिन्होंने उन्होंने किया। तो स्पेशली इसमें जो देखा गया है, चार फैक्टर पे ये इंडिकेटर निकाला जाता है, मतलब ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये क्या क्या है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, आप स्टंटिंग देख पा रहे होंगे, ये हो गया स्टंटिंग, मतलब कि हाइट का लो होना एज के कंपेयर में। ठीक है, फिर उसके अलावा जो वेस्टिंग हो गया वो हो गया वेट का कम होना हाइट के हिसाब से। ठीक है, हाइट लंबा हो गया पर वेट उस जगह में कम है, फिर स्टंटिंग हो गया ये। अंडरवेट हो गया कि मतलब वेट कम है, एज बढ़ रहा है पर वेट नहीं बढ़ रहा है, और ये हो गया नॉर्मल, जो इन सब के कंपेयर में है। ठीक है, तो इस तरह का चीज चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट से रिलेटेड ये फैक्टर को देखते हुए हंगर इंडेक्स निकाला गया। इंडिया का जो 2010 में रैंक था वो 95 था, बट जो अभी 2019 में आया है वो 102 है। तो हमने छः, मतलब 95 से 102 चला गया, यानी 7 रैंक हम लोग पीछे चले गए, और ये हमारे लिए और ज़्यादा खराब की बात है, क्योंकि हम अभी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड कंट्री, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कंट्री के रूप में आ रहे हैं, बट हमारा रैंक और मेल न्यूट्रिशन और हंगर इंडेक्स में और नीचे जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके अलावा जो शेयर ऑफ वेस्टिंग होता है ना, जो कि चिल्ड्रेन बीच में जो लाया गया है, वो धीरे धीरे स्टिप और ज़्यादा राइज किया है। वेस्टिंग का जो मतलब परसेंटेज है वो अभी राइज किया है, जो कि 16.5% था 2008 और 12 में, अभी 20.8% हो गया 14 से 18 के बीच में। तो ये भी और बहुत बड़ा, मतलब सोचने वाली बात हो गई है कि इतना ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा स्टंटिंग और वेस्टिंग से रिलेटेड। अगला टॉपिक है इंडियन पिनल कोड, जो कि हम अक्सर सुनते रहते हैं आईपीसी, आईपीसी धारा, आईपीसी ये, आईपीसी वो। तो ये आईपीसी से रिलेटेड न्यूज में है, तो हम ये भी देखेंगे। तो इसे हम एमएचए वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि एमएचए ही है जो ये जितने भी आईपीसी से रिलेटेड होता है ना, जो भी, तो वो एमएचए ही डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में क्या किया, इंडियन पिनल कोड है ना, उसको चेंज करने का सोचा है। क्यों, क्योंकि इंडियन पिनल कोड तो 1860 में ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, और वो चीज़ हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। पर उस वक्त जो लाया गया था 1860 में, वो तो लाया गया था मास्टर एंड सर्वेंट के रूप में, मतलब मास्टर है थे वो लोग, और हम लोग को सर्वेंट बना के कैसे हम लोग को नचा सके, इसलिए इस तरह का आईपीसी का ये सारा धारा जो है वो सारा उनके सोच के हिसाब से था। तो हमें अब चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब हम हर तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या क्या एफर्ट लाया गया है इस चेंजेस से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना, उनको एक लेटर भेजा और उनसे पूछा कि हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं आईपीसी से रिलेटेड, आप लोग का क्या सजेशन है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने ये सबको लेटर भेजा। तो इसी के बाद होम मिनिस्ट्री ने दो कमिटी भी गठन किया है, जो कि इससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि क्या आईपीसी से रिलेटेड हम क्या सुधार लाके, और हम आगे क्या लाने वाले हैं, क्या लाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो आईपीसी है, ये इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ जानते हैं, तो आईपीसी जब 1860 में लाया गया था, तो वो उस वक्त वो क्या किया था, वो रिप्लेस किया था मोमडन क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस किया था। ठीक है, जो कि मोमडन क्रिमिनल लॉ किससे रिलेटेड था, वो
इस्लाम से रिलेटेड था, ये मोहम्मदन कृष्ण क्रिमिनल लोग, क्योंकि इनसे पहले तो मुगल लोग का राज था ना, और 1860 में भी तो जस्ट 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म ही हुई थी, और जहाँ पे जो पूरी तरह से ब्रिटिश ने अपना ये जमा लिया था, है ना। तो ये सब चीज से रिलेटेड एक तरह से हम मोमडन लॉ जो भी चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए आईपीसी को लाया गया था। और आईपीसी का मतलब, आईपीसी एक तरह से पूरा कॉमन हुआ पूरे कंट्री के लिए, तो इसको सेकुलरिज्म का भी पहला स्टेप देखा जा रहा था कि कंट्री में सेकुलर चीज लाया जा रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर ही लॉ बनाया जा रहा है, ये पूरा सेकुलर वे में आईपीसी को लाया गया था। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड इंडिया में भी इसे अडॉप्ट भी किया था, वो भी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो गया था अभी के टाइम में कि इसे चेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो आईपीसी है ना, ये एकदम लॉन्गेस्ट कोड है जो अभी तक में चला है, ठीक है। और ये कॉमन लॉ वर्ल्ड में ना जो भी है वो सबसे ज्यादा, मतलब इतना पुराना है, तब से ये यूज किया जा रहा है, इतना पुराना है ये, वरना मैक्सिमम कंट्रीज ने अब इसको काफी टाइम से, मतलब इसको चेंज करके कब पहले ही हटा दिया है, ठीक है। तो ज्यादातर ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, ये आईपीसी को फॉलो करते हैं। क्यों आईपीसी लाया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और कॉमनवेल्थ कौन है? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा राज किया गया है कंट्रीज था, वो सब को ही कॉमनवेल्थ बोलते हैं, वो सब भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। तो इसलिए आईपीसी अभी तक वो लोग ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों इसका रिव्यू का जरूरत पड़ गया है? तो क्योंकि आईपीसी 1860 जो था वो मतलब अब उसको रिविजन करने का ला गया जो नौबत आ गया है, क्योंकि 1860 और अभी है 21वीं सेंचुरी 2020, तो काफी चेंजेस आ गए हैं 1860 और अभी के कंडीशंस में। तो जैसे बदलते हुए हालात में हमें हर चीज को बदलना होगा, क्योंकि कानून भी उसी के हिसाब से था, पहले कुछ और थे सिचुएशन, अब सिचुएशन और हो गई है, तो कानून को भी उसी हिसाब से चेंज करना चाहिए। यहाँ तक कि जो मकूले जिनके द्वारा ये सजेशन दिया गया था इस कानून से रिलेटेड, उन्होंने भी कहा था कि आईपीसी जो बनाया जा रहा है उनको रेगुलरली रिविजन करना चाहिए, जब भी कुछ लंबा गैप हो 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद आईपीसी को चेंज जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था उस वक्त, ठीक है। इसके अलावा आईपीसी जो है ये अभी तक, जब से हम आज़ादी मिली है तब से 75 बार इस आईपीसी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो ये अचीवमेंट है वो क्या, मतलब एडहॉक चेंजेस होते हैं ज़्यादातर, मतलब थोड़े टाइम के लिए चेंजेस होती है, या एकदम सडन रिएक्टिव किसी बहुत ही हीनियस क्राइम हो जाता है तब चेंजेस लाते हैं। जैसे आपने निर्भया जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद 2013 में इसे अमेंडमेंट किया गया था कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए आईपीसी के, ताकि हम हीनियस क्राइम से रिलेटेड अच्छी तरीके से डील कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज मतलब एडहॉक कमेटी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ये आईपीसी से रिलेटेड कितना चेंजेस हम ला सकते हैं अभी नए टाइम में नए आईपीसी के तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक है हाउ सुप्रीम कोर्ट चूजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को चेंज किया गया है, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे ये तो सिर्फ नाम जानना ही जरूरी है, बट इसके बारे में बैकग्राउंड भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि रंजन गोगोई जी अब नहीं है, मतलब अब चीफ जस्टिस नहीं है, वो अब राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया था, क्यों वो एक सुप्रीम कोर्ट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हट के वो अब फिर से मतलब राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए। तो ये सब एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से जुडिशियल बॉडी थे वो, और अचानक इस तरह का चीज आए तो बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है, पर फिलहाल हमें अपने इस टॉपिक में ध्यान देना है। तो हुआ ये था कि उन्होंने किसे नॉमिनेट किया, रिकमेंड किया, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो कि 47 चीफ जस्टिस बनेंगे हमारे इंडिया के, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये मतलब किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, कैसे ये किया जाता है, ये सब हम थोड़ा जानेंगे। ये भले आपको स्टैटिक का पार्ट है, बट मैं इसको थोड़ा करंट से रिलेट करके मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, तो एक बार रिविजन भी हो जाएगा और हम थोड़ा अच्छे से जान भी लेंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है ये जानते हैं पहले। तो ये द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करता है, अपॉइंट करता है, और जब वो रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तो वो पहले ही अपॉइंट कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अगले होंगे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट है, मतलब रंजन गोगोई जी ने इनका नाम पहले ही नॉमिनेट कर दिया था कि ये होंगे अगले चीफ जस्टिस, ठीक है। पर ये कैसे होता है, ये सेलेक्ट करते हैं एक तरह से क्या चीज का, मतलब रूल्स फॉलो करते हुए, जो भी सीनियर मोस्ट सिटिंग जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने अच्छा फ्रेंड जिनके साथ है, जिनके साथ अच्छा रिलेशन है, उनको नॉमिनेट करेंगे, वैसा नहीं। जो सीनियर मोस्ट सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बाद चीफ जस्टिस के बाद उनको वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और सीनियरिटी किसके बेसिस पे देखा जाता है, तो
एज के बेसिस पे नहीं देखा जाता, पहले आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रंजन जो मतलब अरविंद बोबडे ही सबसे एज में बड़े थे तो इसलिए उनको सेलेक्ट कर दिया गया, तो ऐसा इसमें कोई चीज नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट हो कि एज में सबसे बड़ा हो तो वो देखा जाए। क्या क्या, तो किस किस बेसिस पे सीनियरिटी देखा जाता है? तो इस बेसिस पे देखा जाता है कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जज कौन बने, जो भी सबसे पुराने जज हैं वो देखा जाएगा। और मान लीजिए अगर एक ही दिन में दो जज मतलब अपॉइंट किए गए थे, तब अगर टाई हो जाए तब उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि सबसे पहले जो अपॉइंट जो मतलब ओथ लिए वो कौन लिए, ठीक है। उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि हाई कोर्ट जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने तो उससे पहले मे भी हाई कोर्ट के जज थे वो, तो हाई कोर्ट का जज में वो कितने साल थे, जो सबसे ज्यादा देर के लिए थे हाई कोर्ट में भी, उनको उस जगह में टाई होने से ये देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि क्या ये जो सिलेक्शन ऑफ जज है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कैसे किसको बनाना चाहिए, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे नॉमिनेट किया जाए, कौन बनने वाले आगे, तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो है क्या? तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बस हल्का ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और उसका एक जज होना चाहिए, जो कि मतलब उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, बस ये लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में, ठीक है। बट आर्टिकल 126 में थोड़ा मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट मतलब जो कि वो क्या डील करता है आर्टिकल 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है ना, उनके द्वारा ही कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर ही हाथ में होना चाहिए, ये बस खाली लिखा हुआ है, बट डिटेल में नहीं लिखा है कि क्या प्रोसीज्योर है। तो ये जो प्रोसीज्योर है वो किसको द्वारा लेके आया जा रहा है? तो ये जो प्रोसीज्योर है वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीज्योर बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी, मतलब गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में कुछ एमओपी होगा, उसके तहत ही नेक्स्ट सीजीआई को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो एमओपी है क्या? तो सबसे पहले लॉ मिनिस्ट्री जो है, जो कि अभी रविशंकर जी है हमारे, तो उनके द्वारा जैसे इनिशिएट किया जाएगा कि क्या रिकमेंड किया जाए, तो उन वो क्या करेंगे, जो रनिंग चीफ जस्टिस है उनको बोलेंगे कि रिकमेंड करने के लिए, तब वो किसी का नाम रिकमेंड करेंगे मान लीजिए, तब उनको क्या होगा, रिटायरमेंट के डेट पे पहले जो लॉ मिनिस्ट्री है ना वो क्या करेंगे, वो उन जो भी नाम को रिफर किया, जैसे क्या हुआ यहाँ पे बोबडे जी का नाम आया लॉ मिनिस्ट्री के पास, तो लॉ मिनिस्ट्री क्या करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर जी के पास जाएंगे कि ये नाम आया है चीफ जस्टिस के लिए, तब प्राइम मिनिस्टर जी जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, बोलेंगे कि ये अगला प्रेसिडेंट होगा आप इसे नॉमिनेट करिए, तब जाके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसीज्योर जो कि एमओपी के द्वारा किया जाता है, ना कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगला है रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो स्टेट चीफ मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो आप तो सुने ही होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों हम आ रहा है न्यूज में, क्योंकि हाल ही में आरटीआई एक्ट भी जो है अमेंड किया गया, वो भी काफी न्यूज में था, जो हमने पहले डिस्कस किया था, अभी फिर से एक चीज ये न्यूज में बन गया है। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटका के 9 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, उन्होंने गवर्नर जो कर्नाटका के उनको रिक्वेस्ट किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उनको सस्पेंड करें वो। तो क्यों क्यों सस्पेंड करें? क्योंकि उन्होंने जितने भी 9 कमिश्नर हैं और वहाँ के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे एनसी श्रीनिवासा, उनको वो क्या कर रहे थे, उनका कहना है कि वो बहुत ही हाई हार्ड मतलब हाई हैंडेडनेस चल रहे थे, और डिसीजन जो भी ले रहे थे ना वो अपने आप ही ले रहे थे, वो किसी से हमारे से डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। माना वो चीफ है, तो चीफ का मतलब ये नहीं ना खुद से डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो भी तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही है ना, तो कहीं भी तो डिफ्रेंशिएट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वो सबसे ऊपर है, सबको एक ही है, बस उसमें से एक एज अ मतलब फ्रंट फेस के रूप में है चीफ दे दिया गया है उनका नाम, बट सबका पावर इक्वल है। तो इस तरह में क्यों ऐसा हो रहा है कि वो सारे रीजन खुद से लेके सारा चीज कर दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने गवर्नर से रिक्वेस्ट किया कि उनको सस्पेंड किया जाए। तो ये जो गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया है, तो क्या ये रिमूव उनका मतलब एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट किया हुआ? चलिए वो थोड़ा स्टैटिक पार्ट है, वो भी जान लेते हैं, हल्का सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस आज के लेक्चर को एंड करेंगे, क्योंकि यही हमारा लास्ट टॉपिक है। तो होता क्या है, रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि अगर आपको रिमूवल करना है ऐसा कुछ है, तो वो क्या करेगा, ओनली सिर्फ गवर्नर के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, और कब किया जा सकता है, जब उस प्रूव हो जाएगा उनके मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी
जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वेरिफिकेशन होगा, मतलब जरह से एक तहकीकात होगा, वो अगर जैसे पाए कि ये इनकैपेबल है या इनकैपेसिटी उनमें है या मिस बिहेवियर कर रहे हैं, तब जाके उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जब अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गवर्नर उनको जब अगर ऐसा कुछ बिल आता है, ऐसा कुछ उनके पास रिक्वेस्ट आता है, तब वो सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, और उनके ऑफ उन वो पर जब तक वो जिस हाल में जब तक केस चल रहा है, इस तरह का तहकीकात चल रहा है, तो उनको अटेंड भी नहीं किया जाएगा ऑफिस, ताकि वो जब तक वो इंक्वायरी चल रही है तब तक वो ऑफिस भी नहीं जा सकते किसी भी काम से रिलेटेड। तो ये सब हुआ प्रावधान। उसके बाद जब अगर वो इंक्वायरी में मतलब हाँ मतलब एक्सेप्ट हो जाते हैं और वो पॉजिटिव आते हैं, तब उनको सस्पेंड कर लिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से रिमूवल होता है। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और प्लीज आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे हमें, हम उतना ज्यादा उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे, जो कि हमारे लिए एक हम जो अपना एक फैमिली बना रहे हैं, उस फैमिली में हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर इकट्ठा कर सके, ताकि धीरे धीरे हम जो अभी आगे जाकर बहुत सारे आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तब उस जगह में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा ही फायदे होंगे। तो प्लीज लाइक शेयर करना भूले ना, और बने रहे हमारे साथ, रिविजन ज्यादा से ज्यादा करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, और हम सितंबर जो अक्टूबर का अगले पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।